देखो अंदोलन जिम्मे है उग्रवादी है बहुत कुछ इल्जाम लगाया उन्होंने, लेकिन सरकार ने खुद ही अपनी सरकार में जो मंत्री वो उग्रवादी पाले हुए हैं। जैसे लखीमपुर वाली घटना हुई वो उग्रवादियों से भी ऊपर चल के हुई है। शरेआम जो ऊपर उग्रवादी घात लगा के हमला करता उन्होंने शरेआम गाड़ी ऊपर चढ़ा के गोलियां मारी। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? पड़ना जरूर पड़ेगा, थोड़ा पड़े पर ज़्यादा पड़े। अब क्या लग रहा है, किसान बीजेपी के साथ झंडा उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। क्या लग रहा है, झंडा उठा पाएंगे? क्योंकि बात तो मान गए कहीं ना कहीं वो। नहीं, एक साल से जो हम यहाँ किस हालत में रह रहे हैं, 700 लोग शहीद हो गए, लखीमपुर पे 8 लोगों की जान गई, क्या वो वापस आ सकता है? जी हाँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी, अगर हम बीजेपी को वोट अगर चले भी जाएं तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों के जो उन्होंने अपने को खोया, क्या उनके वापस आ जाएंगे? ये बहुत कहना बहुत मुश्किल है कि किसान बीजेपी के साथ जाएंगे। है तो वही जो उनके बीजेपी पाले हुए किसान थे वही सहमत थे, बाकी जो आम किसान वो सहमत नहीं। उनके अपने पाले हुए हैं ना किसान, जिनको किसान बढ़ा के किसान भी बीजेपी के कुछ पाले हुए। हाँ, उनके पाले हुए जो खेती भी नहीं करते उनको किसान शो कर देते हैं, वो किसान का मतलब चेहरा भी नहीं है, उनको किसान बना के तो उनसे बयान दिला। करीब एक साल के बाद मोदी जी कम से कम किसानों को किसान बोले, क्योंकि वो बहुत पहले ही बोले थे कि ये किसान किसान नहीं है। उनको किसानों की पावर का नहीं पता, कभी थक थक चले जाएंगे, हार मतलब थक जाएंगे जो लोग किसान हैं। अब उन्हें साहस हो गए, जे जाने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। और मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो शुद्धि बुद्धि उनको दी है मोदी जी को, उन्होंने जो अभी तो घोषणा की है, फिर जब लिखित में देंगे जब पता चलेगा तो क्या करते हैं अभी लिखित में। हाँ, किसानों पर तमाम आरोप लगे हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं, खालिस्तानी हैं, तो क्या किसान कभी भी माफ़ कर पाएगा बीजेपी के बड़े तमाम जो दिग्गज नेता हैं? देखो आंदोलन जीवी हैं, उग्रवादी हैं, बहुत कुछ इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, लेकिन सरकार ने खुद ही अपनी सरकार में जो मंत्री वो उग्रवादी पाले हुए हैं। जैसे लखीमपुर वाली घटना हुई है वो उग्रवादियों से भी ऊपर चल के हुई है। शरेआम जो ऊपर उग्रवादी घात लगा के हमला करता उन्होंने शरेआम गाड़ी ऊपर चढ़ा के गोलियां मारी हैं। तो जे तो अब जनता को एहसास हो गया भी उग्रवादी कौन है, किसान है या कौन है या सरकार के जो मंत्री वो हैं, जे अब बात क्लियर होगी कि मंत्री जो हैं सरकार में वो ही उग्रवादी। अब तो बिल वापस हो गया है तो आप लोग चले क्यों नहीं जाते हैं अपने गांव? अभी बिल वापस नहीं हुआ, अभी उन्होंने बोला ही है, जैसे बिल संसद में पास किया था, बिल पास किया था इसका कानूनों का, ऐसे ही संसद में रद्द करेंगे जब जाके। और भी हमारी बहुत मांगे हैं, अभी मांगने वाले MSP पक्की करवानी है, जो हमारे 1000 किसान शहीद होंगे उनका मुआवजा है। अभी ऐसे तो बहुत काम, अभी आंदोलन चलेगा, ऐसे ही चलेगा जी, अभी उठने वाला नहीं जब तक क्लियर नहीं बात होती पूरी। इस आंदोलन में करीब 700-750 लोगों की जान चली गई, तो किसान माफ़ कर पाएगा सरकार को? माफ़ मतलब कर तो नहीं पाएगा, इतनी बड़ी जो आज तक कभी इन्होंने शोक नहीं जताया, कभी बोला नहीं, मतलब एक बार भी संदाज नहीं दी उन्होंने, तो माफ़ कैसे कर देगा किसान? इनको नहीं करेगा माफ़, इनको नहीं करेगा, क्यों? एक बार भी मोदी जी ने नहीं बोला कि मतलब किसान मैं करता हूँ, अगर किसी एक्टर की उंगली भी ब्लेड लग जाता तो उस पर भी मतलब मीडिया बिठाता, सब लोग जी। कल ही बोले कि एक अच्छा स्कीम लेकर के आए थे, कुछ किसानों के वजह से मुझे वापस लेना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी जी अभी भी वापस लेना नहीं चाहते थे। तो क्या लग रहा है आपको कि UP चुनाव को देखते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया? हो सकता है उनके दिमाग में यही बात आई हो, हम चुनाव हार रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जो आया होगा, जब भी तो वो आ जाए। कुछ प्रेशर भी किसानों का जो माँ पचहते हो रही हैं, बढ़ रहा है, देशव्यापी बन गया है ये आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में खड़ा हो गया है, तो इसलिए उनकी मजबूरी होगी। उन्होंने साफ कहा है कि कुछ किसानों की वजह से मैं वापस ले रहा हूँ, मैं नहीं समझा पाया। हाँ, नहीं समझा पाया, उनको पता है हम गलत कर बैठे हैं, कानून जी सही नहीं है, इस हमारे वो बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ किसान हमारी बात से सहमत भी थे, लेकिन एक दल जो है हमारा बात नहीं माना। शायद वही जो उनके बीजेपी पाले हुए किसान थे वही सहमत थे, बाकी जो आम किसान वो सहमत नहीं था, जो उनके अपने पाले हुए हैं ना किसान, जिनको किसान बना के। किसान भी बीजेपी के कुछ पाले हुए? हाँ, उनके पाले हुए हैं, जो खेती भी नहीं करते उनको किसान शो कर देते हैं, वो किसान का मतलब चेहरा भी नहीं है, उनको किसान बना के तो उनसे बयान दबाते हैं। एक साल से लगातार किसान आंदोलन जारी था और आखिरकार जीत किसानों की ही हुई है, आप लोग की ही जीत हुई, तो कैसा लग रहा है इस वक्त तक? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने एक साल बाद ही सही कम से कम किसानों की सुध ली,
उनके बारे में सोचा और कैसा ये बिल वापस करने का उन्होंने ऐलान किया? अभी अभी अच्छे से अभी पास ने अभी वापस नहीं लिया है, अभी संसद में जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक इनको वापस नहीं लिया नहीं माना जाएगा। आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बढ़िया, धन्यवाद है, हाँ बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि मोदी जी ये यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसा करा है। देखिए, बहाना चाहे कोई भी रहा हो, हाँ एक वो भी रीज़न एक है कि भाई यूपी इलेक्शन, यूपी में इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा था, इनके विधायक, इनके मंत्री, कोई भी बीजेपी वर्कर इन गांव में किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, हाँ कई वीडियो क्लिप में ऐसा आया है कि कई बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे कई जगह गए चुनाव को लेकर के, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी से डर करके कई चुनाव पे अच्छा खासा असर ना पड़ जाए? हाँ, इसलिए ये भी कारण हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वापस लेने का फैसला लिया है, चाहे कारण कोई भी रहा हो लेकिन वापस लेने का फैसला लिया है। उनका उसका असर राजनीति पे, वोटों पे क्या पड़ेगा ये तो समय बताएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? पड़ना जरूर पड़ेगा, थोड़ा पड़े पर ज़्यादा पड़े। तो अब क्या लग रहा है, किसान बीजेपी के साथ झंडा उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। क्या लग रहा है, झंडा उठा पाएंगे? क्योंकि बात तो मान गए कहीं ना कहीं वो। नहीं, एक साल से जो हम यहाँ किस हालत में रह रहे हैं, 700 लोग शहीद हो गए, लखीमपुर पे 8 लोगों की जान गई, क्या वो वापस आ सकता है? जी हाँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी, अगर हम बीजेपी को वोट अगर चले भी जाएं तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों के जिन्होंने अपने उनको खोया, क्या उनके वापस आ जाएंगे? ये बहुत कहना बहुत मुश्किल है कि किसान बीजेपी के साथ जाएगा। एटलीस्ट अच्छा, ये जो इस आंदोलन में अब तक 750 या समथिंग जो भी किसानों की जान चली गई, क्या लगता है इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार? बिल्कुल है, 200% सरकार, उन्हीं की वजह से यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, कैसे निकाले हैं ये हमें पता है। अभी भी हमारे साथी बुखार में वहाँ पड़े हुए हैं जी। अगर हम अपने अपने घरों में होते तो परिवार हमारा साथ में होता, हम डॉक्टर के पास जाते, यहाँ वो अकेले पड़े हुए हैं बुखार में, क्या वो भरपाई हो पाएगी? किसी के चोट लगी, किसी के पेट में दर्द है, किसी को कुछ बुखार, किसी कोई कोई तकलीफ है। हम यहाँ एक साल से हैं, यहाँ जब आंधी आती थी ये टेंट जहाँ हम रहते हैं इसको हमने ऐसे संभाला जैसे अपना घर हो जी, उड़ने नहीं दिया इसको। बारिश में नीचे यहाँ पानी, गंदगी, ये कूड़े ढेर हम सूंघते रहते हैं, ये बगल में है, आधे किलोमीटर दूर भी नहीं है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी के साथ किसान जाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट लेना इस बार। अच्छा, कितने दिन से आप इस आंदोलन के हिस्सा हैं? शुरू से स्टार्टिंग से? बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन से, जिस दिन यहाँ पहले दिन हम लोग आए थे तब से यहीं बैठे हैं। गए जाते हैं गांव अपने मिलके आते हैं, जाते हैं 10 दिन बाद आते, 15 दिन बाद आते, बारी नहीं जाते रहते, जो हम 5-6 जने हैं लंगर में, हम बारी नहीं जाते रहते, कदे कोई चले गए कदे कोई चले गया, इसके बारे भी इधर भी काम ना हुए थे और भी ठीक रहे।